और फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट है ये और बहुत ही मज़ा आ रहा है करने में। तो थोड़ा सा वाटर और लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अभी थोड़ा सा वाटर डाल दिया। तो फ्रेंड्स मैं इसमें शिफ्ट करता हूँ। फ्रेंड्स हम अपनी मशीन ऑन करने जा रहे हैं। जैसे पॉट की शेप में तो मैं इसको पूरा पॉट की शेप दे देता हूँ। फ्रेंड्स मेरे हाथ कितने गंदे हो चुके हैं आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि क्ले सैंड और क्ले सैंड से तो हम सबको पता है कि हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। तो अब हम इसको शेप देने पे अपने रेडी होते हैं। शेप आ गई है, अभी मैं उसको और क्लियर कर दूंगा और फिर हम इसमें पेंट्स भर सकते हैं और इनके टूल की मदद से डिज़ाइन भी दे सकते हैं। आप लोग दे सकते हैं इधर इन्होंने बनाया हुआ है, मैं रेडी हूँ करने के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स मैंने देखिए कितना अच्छा बनाया है ये, देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अब इसमें पेंट्स और चीज़ें भरने के लिए। तो फ्रेंड्स इस टूल की मदद से हम लोग इस अपने पॉट में फिनिशिंग ला सकते हैं। तो मैं रेडी हूँ इसको करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने शेप दे दी अपनी, आप लोग देख सकते हैं पूरी नीचे की फिनिशिंग हमने कर दी है इस पर भी आ गई है। तो फ्रेंड्स ये जिगजैग टूल है, तो इस पर हमारे पॉट पे डिजाइन आ जाएगा जिगजैग वाला। फ्रेंड्स ये ब्यूटीफुल लाइन और फिनिशिंग जो आई है इसकी मदद से आई है और ये इस वाले टूल की। तो फ्रेंड्स अब हम करने जा रहे हैं इसमें पेंटिंग। मैंने रेड
पेंट ले लिया है और ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको करने वाले हैं फिल। करें, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।